दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज एक बार फिर से एक नए पार्सल खुलने की बारी है और ये पार्सल दोस्तों उन्हीं तीनों में से एक पार्सल है जिन पे मैंने 30, 40 और 50% डिस्काउंट पाई थी हेलो बुक माइन से। तो चले फिर पहले इसको फटाफट खोल लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। तो फाइनली दोस्तों काफ़ी सारी अड़चनों के बाद ये पार्सल खुलता हुआ दिख रहा है मुझे। और ये क्या है, एक कोस्टर है दोस्तों। इनफैक्ट ये जो बड़ी साइज़ की बिग साइज़ की जो बुक मैंने यहाँ पे मंगाई है उनके साथ मिली है दो कोस्टर्स। तो चलिए इसको पहले थोड़े से देख लेता हूँ ये कौन सी है। ये नागराज की एक, इनफैक्ट ये जो नॉवेल्टी आइटम्स दी गए दोस्तों इसमें एक चीज़ कमी रह गई ये भेड़िया की, वो ये कि इनके पीछे एक मैग्नेट नहीं दिया गया, अदरवाइज ये काफ़ी अच्छी लगती है नॉवेल्टीज़। चलिए देखता हूँ पहली कॉमिक्स, ये है दोस्तों वरन कांड। तो एक्चुअली यहाँ पे जो कॉमिक्स हैं ये मुझे ऐसे ख़रीदने नहीं थे, बट चूँकि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, यू नो 30, 40, 50% राज कॉमिक्स मिलते नहीं हैं, तो यार मैंने सोचा चलो फिर यू नो वॉलेट में पैसे भी पड़े हुए थे तो मैंने फिर HBM की वॉलेट में तो फिर मैंने ऑर्डर कर लिया। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ध्रुव शक्ति यहाँ पे दिखेगी, लास्ट टाइम जब मैंने पार्सल खोला था तो ध्रुव शक्ति मुझे लगा चलता हूँ, तो एक ध्रुव की तो निकली, लेट्स सी कि हमें ध्रुव शक्ति मिलती है कि नहीं, क्योंकि वो मैंने मंगाई है और यदि इसमें नहीं निकलती है मतलब साफ रहेगा कि वो लास्ट वाले पार्सल जो कि मे भी कल परसों मैं उसको खोलूँगा तो वहाँ पे दिख जाए। देखता हूँ ये कौन सी है, ये रन कांड। अच्छा, ये नागायन सीरीज की जो कॉमिक्स है दोस्तों ये मेरे पास कुछ कुछ ऑलमोस्ट 4, 5, 6 कॉमिक्स शायद पड़ी हुई थी लेकिन काफ़ी फटे हुए हाल में, यू नो। तो मैंने फिर से जो रिप्रिंट हुई है एक एक करके मंगाना स्टार्ट किया। इनको मंगाना ज़रूरी नहीं था क्योंकि इतनी बार इनको मैं पढ़ चुका हूँ कि उतना ज़रूरी मैं नहीं समझता था, बट फाइनली जब डिस्काउंट दिखी तो मैंने सोचा कि चलो यार ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ग्रहण कांड, मुझे लगता है ये नए वाले जो रिप्रिंट्स हैं सारे ही पूरे हो गए, केवल हरण कांड बाकी है। एनीवेज बाहर तो नहीं निकली और इसका मतलब साफ है कि शायद अंदर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अंदर जो दो लार्ज साइज के कॉमिक्स होंगे वो होंगे दोस्तों प्रेतंकल वाली सीरीज के। ये देख सकते हैं प्रेतंकल की पहली वाली यू नो कॉमिक्स निकलती हुई, काफ़ी बड़ी सी और थोड़ी सी हल्की लग रही है। क्या इसके पेजेस की क्वालिटी में ग्लॉस कम किया गया है, शायद इसलिए। ये गैंडा का एड यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जो पेजेस में ग्लॉसी वाला जो यू नो था, इसके पहले भोकाल की दो मैंने मंगाई थी लार्ज साइज वो नहीं है। और इसकी प्राइस को लेकर मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो ये 250 रुपये की बुक नहीं हो सकती, यू नो 250 रुपीज़ इज़ टू मच फॉर दिस बुक्स, एक किताब के लिए 250 रुपीज़। और ये देख सकते हैं दूसरी वाली, ये कौन सी है, ये भी इसका भी MRP 250 दोस्तों, लेकिन मंगाने का मेरा रीज़न यही था कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट थे, यदि 40 या 50% तो इसमें मिले ही है मुझे याद नहीं कौन सी वाली पार्सल के साथ मुझे 50 मिले थे कौन से में 40 मिले थे, और यदि 40% भी आप लगाओ 250 का तो ऑलमोस्ट 100 रुपये यानी कि 150 रुपये के आसपास ये मुझे किताब मिल रही है 250 रुपये की जगह, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा डील है। ये देख सकते हैं जाली नोट फाइटर टोट्स का यहाँ पे ऐड, और यहाँ के चित्र काफ़ी अच्छे दोस्तों, जो ड्राइंग है विनोद कुमार जी की पेंसिलिंग और इंकिंग दोनों काफ़ी शानदार। ये किताब है 1995 के आसपास की और तभी से उनकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि वो ज़्यादा क्यों नहीं किताबों को इलस्ट्रेट करते, हालांकि बहुत सारे पब्लिकेशन के लिए वो काम कर चुके हैं, ये देख सकते हैं विनोद कुमार जी की, लेकिन राज कॉमिक्स ने पता नहीं शायद उतना मौका नहीं दिया या अनुपम जी के जो चित्र होते थे उनको इंकिंग करने में ही ज़्यादा बिजी रहते थे
रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन विनोद कुमार की ये ड्राइंग्स मुझे काफ़ी यू नो भाए हैं दोस्तों। तो ये चलिए अब बाकी एक बार फिर से दिखा दूँ, ये ग्रहण कांड, रण कांड, रूहों का शिकंजा और ये वरण कांड। तो ये 6 कॉमिक्स थे दोस्तों, इसके साथ 2 कोस्टर्स। और चलिए फिर इस वीडियो फिलहाल इतना ही, बाय।